टॉपिक है वो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है एनर्जी के बगैर उसमें सबसे पहले आपकी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बिजली आपकी इंडस्ट्रीज यानी कारखानों वगैरह में इस्तेमाल होती है उसके बगैर आपके कारखाने काम नहीं कर सकते घरों में बिजली इस्तेमाल होती है उसके अलावा आपके पास जो नेचुरल गैस है वो भी इस्तेमाल होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल होती है घरों में इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रियों में गाड़ियों के लिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिसके अंदर आपकी नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है उसके बाद तीसरी चीज जो आपकी वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्रीज़ के लिए और जिस तरह की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल बहुत महंगा है एनर्जी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो कोल एक चीपेस्ट फॉर्म है और एक ऑल्टरनेट है आपकी एनर्जी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी गैस पेट्रोलियम कोल ये सारी चीज़ें आपकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं अब हम इसको डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं थैंक यू